हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू लर्न करो क्लासेस दिस इज अनुष्का योर मेंटोर एंड आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर हमारा माइक्रोब्स चल रहा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट है हमारी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर तो आज ये यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी एंड इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में है जहा पे हम बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करेंगे तो करते हैं सेशन को स्टार्ट चैनल पे पहली बार हो तो करना क्या है अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और फटाफट से आ जाओ ताकि स्टार्ट करें ज्वाइन इन कर लो सेशन को सभी सो so, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से पहले आप सभी के लिए रोशन बैच चल रहा है अवेलेबल है रोशन बैच जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं ना इस्पेली डेडिकेटेड बैच है हमारा ट्वेंटी थ्री के लिए तो अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से सीखनी है बोर्ड के बाद आप चाहते हो कि डेडिकेट होकर आपको पढ़ना है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट मिलेगा सो तो आप अपने टाइमिंग के हिसाब से पढ़ सकते हैं जब आपको चीज़ें कवर करनी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिज़िकल बुक्स मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए है, क्लासेस हैं हंड्रेड परसेंट आपको काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा एंड प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे सो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो सिक्स थ्री नाइन सेवन डबल सिक्स डबल टू वन टू पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कोर्स के बारे में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा एंड आप उसे परचेज भी कर सकते हैं एंड इसी के साथ आपको डाउनलोड करना है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप जो आपको मिल जाएगा इजीली डाउनलोड करना है इसे इसे ओपन करना है एंड देन आपको जो भी आपके बैच से रिलेटेड डिटेल है या फिर लाइव क्लासेस के पीडीएफ वगैरह हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैच अगर लेने का सोच रहे हो तो बेस्ट मौका है आपके लिए क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑफर चल रहा था हैप्पी होली कूपन कोड आप अप्लाई करके 10% परसेंट का ऑफ जो है ले सकते हैं इजीली मिल जाएगा तो अगर सोच रहे हो तो इससे बेटर नहीं है एंड ये आज आज ही है आपके लिए आप इसे एनरोल करवा सकते हो ऑफर को ले सकते हो कोड याद रखना हैप्पी होली आपको कोड अप्लाई करना है एंड इसी के साथ साथ थोड़ा इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्लासेस की बात करें तो मॉर्निंग में आपकी सुबह इंग्लिश एंड हिंदी की लैंग्वेज क्लासेस चलती हैं उसके बाद आपके डोमेन टेस्ट होते हैं जहाँ ग्यारह बजे इकोनॉमिक्स होता है एक बजे इंटरप्रिनरशिप एट प्रेजेंट चल रही है क्लास एंड एक बजे ही सेम टाइम पे बायोलॉजी अकाउंटेंसी आपकी चलती है तीन बजे न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्लास जो है आपकी शाम को सात बजे है जर्नल पेपर मिल जाएगा जहाँ पे मॉक मॉक पेपर है आठ बजे सॉल्व करवाते हैं करंट अफेयर की क्लासेस जो हैं वो नौ बजे आपको मिल जाएंगी सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम भी अच्छा खासा गैप है सो so, अगर आप क्लासेस को फॉलो करते हैं तो आपको गैप भी मिल जाता है कि आप लैंग्वेज में प्रिपरेशन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे लें कुछ प्रैक्टिस कर लें वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है तो फटाफट से अगर आप लेने का सोच रहे हो तो परचेज कर लेना एंड हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ तो टॉपिक की बात करें यहाँ पे हम माइक्रोव्स को देखेंगे एज अ बायो कंट्रोल एजेंट तो स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं बस पांच मिनट सेशन so, को करते हैं हम स्टार्ट चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें हमें क्या पढ़ना है आज के सेशन में हमें यहाँ पे देखना है माइक्रोब्स के बारे में कि बायो कंट्रोल एजेंट क्यों बोलते हैं देखो जनरली जब हमने देखा था ना एंटीबायोटिक के बारे में हमने क्या देखा था एंटीबायोटिक में जब हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं यहाँ यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ही हैं जो सर्टेन टाइप के केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं ताकि वो किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकें उसके ग्रोथ को रिटार्ड कर सकें अनसिमिलर या फिर उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो कम्प्लीटली ख़त्म भी कर सकें तो सिमिलरली बायो कंट्रोल एजेंट में बात करें बिल्कुल हम इसी पैटर्न पे चलेंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स की बात करें तो आप यहाँ पे बोल सकते हो बायो कंट्रोल एजेंट्स में कुछ यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ यहाँ पे इंसेक्ट आ जाएंगे जिनकी हेल्प से आप हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो हमारी क्रॉप को हार्म कर सकते हैं या फिर हमें हार्म कर सकते हैं हम उन्हें कंट्रोल करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स तो ये कहलाते हैं हमारे पास बायो कंट्रोल एजेंट तो हम यही देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से बायो कंट्रोल एजेंट के लिए काम करते हैं और कैसे हमें या फिर हमारी क्रॉप को या हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सो so, अगर हम यहाँ बात करें देखो बायो कंट्रोल की बात करें रेफर्स टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स टू कंट्रोल पेस्ट एंड प्लांट डिजीज जर्नली क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर भी बायोलॉजिकल मेथड्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकें और प्लांट डिजीज़ को भी कंट्रोल कर सकें इन मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन टेकल्ड इंक्रीजिंगली बाय यूज़ ऑफ़ केमिकल्स अब देखो जितनी भी जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला गया तो हमारा डिपेंडेंस जो है वो केमिकल्स की तरफ बढ़ता गया हम केमिकल पे डिपेंड रहने लगे अपनी छोटी छोटी नीड के लिए भी हम यहाँ पे केमिकल पे डिपेंड होने लगे जैसे अगर हम सिंपल बात करें जिस समय पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ग्रीन रेवोल्यूशन में किसका यूज किया गया था सेमी डॉ वाइटी और इसी के साथ याद रखना यहाँ पे हमने कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज किया था कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी हमने यहाँ पर यूज़ किया था जिसकी वजह से हमें ओवरऑल प्रोडक्शन अगर हम देखें तो हमें प्रोडक्शन जो है वो काफी ज़्यादा इंक्रीज होता नज़र आया पर यहाँ ध्यान दो ठीक है ये चीज इंपॉर्टेंट रही लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर यानी कि केमिकल पे डिपेंडेंस बढ़ती जा रही थी हम अपनी बेसिक नीड के लिए फूड प्रोडक्शन के लिए भी हमें केमिकल पे डिपेंड होना लगा हम यहाँ फर्टिलाइजर का यूज करने लगे डिफरेंट इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड तो इन सब से हुआ क्या इनके यूज से जब हम केमिकल का यूज एक्सेसिव करने लगे हद से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे तो ये एंटर कर गया हमारी फूड चेन में अब यही जो केमिकल हम यूज़ करते थे दूसरे इंसेक्ट्स को किल करने के लिए एनिमल्स को किल करने के लिए ये केमिकल फूड चेन के होते थ्रू हम तक भी पहुंचने लगे यानी कि हमें भी हार्म करने लगे तब नीड आई थी कि, कि किसी तरह से इस केमिकल को यहाँ से रिप्लेस किया जाए और इसकी जगह कोई और ऑर्गेनिज्म या कोई और डिफरेंट चीज़ लाई जाए जिसकी वजह से हमें इससे होने वाले नुकसान से हम बच सकें इसीलिए बायो कंट्रोल का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था अब देखो केमिकल हद से ज्यादा यूज होने लगे थे तो जैसे जैसे हमने इंसेक्टिसाइड का यूज किया इंसेक्ट को किल करने वाले केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्ट को किल करने वाले केमिकल्स पेस्टिसाइड कहलाते हैं ये केमिकल्स बहुत ज्यादा टॉक्सिक थे एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल थे ह्यूमन बींग्स के लिए और हमारे ही जैसे कुछ एनिमल्स के लिए और साथ साथ ये हमारे एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करते थे पॉल्यूशन क्रिएट करते थे एक तरह से

क्या होते हैं जर्नली वीड्स को रिमूव करवाने के लिए हम केमिकल्स का यूज करते हैं अब आप कहोगे वीड क्या होता है तो वीड को आप सिंपली यहाँ पे याद रख सकते हो जब भी हम वीड की बात करें देखो इसे आप ऐसे बोल सकते हो कि अनवांटेड प्लांट है अनवांटेड प्लांट कैसे कि मान लो आपने एक खेत लिया है उसमें आपने खेती करवानी है आप चाहते हो कि वहाँ पे आप गेहूँ उगाओ लेकिन गेहूँ के साथ साथ कोई और प्लांट अपने आप आके वहाँ पे डेवलप होने लग जाए अपने आप ग्रोथ करने लगे और जो न्यूट्रेंट आपने गेहूँ को अवेलेबल करवाए थे वो न्यूट्रेंट ये भी कंज्यूम करने लगे तो एक तरह से क्या होता है कि अगर वीड ग्रो करता है तो हमारा जो मेन क्रॉप प्लांट है उसके लिए अन अवेलेबिलिटी क्रिएट हो सकती है न्यूट्रिएंट की और वीट के साथ एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही इसे न्यूट्रिएंट मिलते हैं के प्रेजेंस में में बहुत ज़्यादा फ़ास्ट ग्रो ग्रो करता है। तो तो हम चाहते हैं कि हमारी फील्ड कोई भी वीड वीड हो हो, ही ना। अगर नहीं होगा, अल्टीमेटली तो जो क्रॉप आप ग्रो करवाना आप करवाना चाह रहे जिसे देना पूरा करने के लिए डिपेंडेंस किस पे होने लगा chemical. केमिकल का एक्यूमलेशन होता चला गया और अब ये केमिकल हमें भी हार्म कर रहा है तो कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट होना चाहिए था तो रिप्लेसमेंट के तौर पे हमने किसे यूज़ किया हमने माइक्रोब्स को ही यूज़ किया जहाँ पे हम केमिकल यूज़ ना करके किसी इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट और पेस्ट का ही इंसेक्ट का ही यूज़ करते हैं ताकि हम हार्मफुल इंसेक्ट और पेस्ट को यहाँ पर मैनेज कर सकें तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें आते हैं हमारे पास बायो हर्बिसाइड्स बायो हर्बिसाइड्स आते हैं हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं जिसकी हेल्प से हम वीड को कंट्रोल करते हैं तो एग्जाम्पल में अगर देखें ये हमारे पास होते हैं बायो इंसेक्टिसाइड देखो नाम से ही समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं आपको बायो इंसेक्टिसाइड बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ ध्यान रखना बायोमेंस क्या बात कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका आप यूज कर रहे हो इंसेक्टिसाइड के तौर पे यानी कि इंसेक्ट को किल करने के लिए आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हो अल्टीमेटली इस चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है हमने दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया है गुड मॉर्निंग सौरभ तो आओ भाई यहाँ पे स्टार्ट करते हैं देखो बायो इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करें होप आइडिया लग गया होगा बायो में ना एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपने कोई टर्म पढ़ी है अगर आप उसे दो टुकड़ों में कर सकते हैं यानी कि उसके पार्ट्स डिवाइड करके पढ़ सकते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी जैसे बायो इंसेक्ट इंसेक्टिसाइड की बात करें आपने टर्म को पढ़ा आपने इसको ब्रेक किया आपने देखा कि इस वर्ड का ये मतलब है आप एक पूरा डेफिनेशन बिल्डअप कर सकते हैं सो अगर हम बात करें बायो इंसेक्टिसाइड हमने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हेल्प करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल करने में इंसेक्ट पेस्ट दे मे बी वायरस बैक्टीरिया एंड फंजाए अब ये जो हैं बायो इंसेक्टिसाइड ये हमारे पास वायरस भी हो सकते हैं ये हमारे पास बैक्टीरिया भी हो सकते हैं फंजाए भी हो सकते हैं याद रखना यहाँ ये डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे हैं ये दूसरे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं सिमिलरली बात करें अ नंबर ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट और और दे लार्वा कैन बी रिड्यूस बाय अदर ऑर्गेनिज्म व्हिच एक्ट एज पैथोजन और प्रीडेटर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जितने भी हमारे पास हार्मफुल इंसेक्ट हैं पेस्ट हैं या फिर उनके लार्वा हो गए जो हमारी प्लांट के डिफरेंट स्टेजेस को तो यहां पे आप बोल सकते सकते हो इफेक्ट करते करते हैं 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 तो हम उसे कंट्रोल कर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की हेल्प से जो कैसे काम करेंगे जो पैथोजन की तरह एक्ट कर सकते हैं प्रिडेटर की तरह हेल्प कर सकते हैं हार्मफुल इंसेक्ट और पेस्ट के लिए दूसरी चीज देखो यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं पहला है लेडी बर्ड बिटर जो किसे कंट्रोल करता है एफर्ट्स को कंट्रोल करता है प्लांट पेस्ट है बहुत छोटा सा साइज का ये ये दिखता है है एंड पूरे, पूरे प्लांट को पूरी को पूरी क्रॉप खराब करने की कैपेसिटी रखता है, अगर ये बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस हो जाए आपकी फील्ड है इनिशियल इन्फेक्शन होना शुरू किया आपने यहाँ ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया आप इसका प्रिडेटर या फिर पैथोजन आप यहाँ पे ले आए तो आप बचा सकते हो लेकिन अगर एक्सेसिव ग्रोथ हो गया तो बायो कंट्रोल भी कुछ हद तक ही हो पाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से एक लिमिटेड लेवल तक आप कंट्रोल करवा सकते हो एक्सेसिव ग्रोथ पे ये भी प्रॉब्लम होता है कंट्रोल जो है मैनेजेबल नहीं रहता बात करें, अगली आती है हमारे पास ड्रैगन फ्लाइज जिनका हम यूज करते हैं मॉस्किटोज को कंट्रोल करने में एंड इसे हम क्या बोलते हैं मॉस्किटो हॉक बोलते हैं ट्राइकोडर्मा की बात करें एक फ्री लिविंग सॉइल फंगस है जो कैसे काम करता है बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है डिफरेंट प्लांट पैथोजेंस के लिए आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे बिटल्स इन्वॉल्व यहाँ फंगस भी इन्वॉल्व है ट्राइकोडर्मा का नाम याद रखना इस चैप्टर में दूसरी बार आया है ये पहला काम आपको याद होना चाहिए ट्राइकोडर्मा और क्या काम करता है एंड फ्री लिविंग फंगस है ये आपको ध्यान रखना है अगले आते हैं हमारे पास बेकुलो वायरस अगर हम बात करें तो ये कैसे हैं पैथोजेनिक वायरस हैं कैसे हैं पैथोजेनिक किसको लेके पैथोजेनिक होंगे खुद सोचो किसे मैनेज करना चाहते हैं इंसेक्ट या फिर पेस्ट को तो ऑफकोर्स ये उसी को ही लेके यहाँ पे मैनेज करते होंगे उन्हीं को ही लेके पैथोजेनिक होंगे विच इन्फेक्ट एंड किल मैनी इंसेक्ट पेस्ट एंड अदर आर्थोपोड पेस्ट आर्थोपोडा की बात करें तो आपको अच्छे से पता होगा लार्जेस्ट फाइलम आता है ये एक फाइलम है जिसके अंदर सारे इंसेक्ट्स होते हैं तो बेसिकली बात करें इंसेक्ट जो है से करते हैं, तो यहाँ से जो पेस्ट आ रहे हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए हम इस पैथोजेनिक वायरस का यूज़ करते हैं इम्पोर्टेंट थिंग अगर आप देखें यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरस यहाँ पे जो इन्वॉल्व हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में वो कौन से हैं न्यूक्लियो पोलीहेड्रोवाइरस ये नाम आपको याद होना चाहिए कौन से हैं वो न्यूक्लियो पोलीहेड्रोवाइरस एंड वायरसेस की बात करें आर स्पीशीज स्पेसिफिक इस चीज को समझना स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि अगर आप कोई वायरस लेकर आ रहे हो तो वायरस को पता है कि उसका टारगेट क्या है ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी पेस्ट इंसेक्ट कंट्रोल करवाना है और आप यहाँ पे यूज कर लोगे उसका यहाँ पे वायरस स्पीशीज इस्पेफिक का मतलब कि वायरस को यहाँ पे टारगेट के बारे में पता है

तो हो सकता है इस वायरस का टारगेट सिर्फ यही है तो ये सिर्फ इसी को ही हाम करेगा, बाकी किसी को भी हार्म नहीं करेगा तो ये क्या हो गया कि इसका टारगेट स्पेसिफिक है, एक को ही हाम कर रहा है या जिसे स्पीशीज इस को इसे हार्म करना था तो उसी को ही कर रहा है बाकी किसी को हार्म नहीं कर रहा है तो ये हमारे आते हैं स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल इफेक्ट सो डू नॉट साथ क्या हो रहा है कि हमारे पास जो और ऑर्गेनिज्म है उन पे ये अपना कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा एंड इवन नॉन टारगेटेड इंसेक्ट को ये कोई भी हार्म नहीं करता अच्छा इसी की तरह बात करें जब हम पहले इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते थे या फिर केमिकल का यूज़ कर रहे थे क्या होता था कि जो आपको इंसेक्ट किल करना है वो तो होता ही था उसके साथ में जो यूजफुल इंसेक्ट होते थे जैसे कोई पॉलिनेशन करवाने के लिए इंसेक्ट जरूरी है वो इंसेक्टिसाइड जो है उस पोलिनेटर को भी किल कर देता था मारना एक कोई था जो हार्म कर रहा था लेकिन जो यूजफुल वाले थे वो भी किल हो जाते थे लेकिन जब नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल का डेवलपमेंट हुआ तो जो हमारा टारगेट होता था वो ही टारगेट किल होता था बाकी जो यूजफुल ऑर्गेनिजम्स थे वो हमारे लिए बच जाते थे सो so नेक्स्ट अगर हम बात करें अच्छा इसके साथ ना एक चीज देख लो हम बार बार बोल रहे हैं पेस्ट के बारे में बोल रहे हैं पेस्ट होता क्या है पेस्ट के बारे में बात करते हैं। देखो पेस्ट की अगर बात करें तो याद रखना पेस्ट जो है इंसेक्ट पेस्ट एक्चुअल में इंसेक्ट होते हैं अब कब हम इंसेक्ट को पेस्ट बोलते हैं हमेशा ध्यान रखना कि जिस कंडीशन पे इंसेक्ट प्लांट को हार्म कर रहा हो और दूसरा आप उस इंसेक्ट की कंसेंट्रेशन को मैनेज ना कर सको आप उस इंसेक्ट की ग्रोथ को उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को मैनेज ना कर सके तब हम उसे क्या बोलते हैं पेस्ट पेस्ट बोलने से हमें यह पता चलता है कि पर्टिकुलर इंसेक्ट जो है वो हार्मफुल ही है हमारी क्रॉप के लिए सो so नेक्स्ट बात करें कुछ और हमारे पास बायो कंट्रोल एजेंट आते हैं जिसमें यहाँ हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में ध्यान से सुनना बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है इससे सो so, अगर हम बात करें सबसे पहले फुल फॉर्म ही इम्पोर्टेंट हो जाती है आई की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म क्या है इसकी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट फुल फॉर्म याद रखनी है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सो अगर हम बात करें यह हमें क्यों जरूरी है रिक्वायर्ड टू सेव द इन्वायरमेंट फ्रॉम एग्रो कैमिकल पॉल्यूशन यानी कि जितनी भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वहाँ से जो केमिकल यूज से पॉल्यूशन क्रिएट होता है अगर उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हम यूज करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का एंड अचीव हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यानी कि अगर आपसे पूछ ले कोई इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का टारगेट क्या है तब आप क्या कहोगे कि प्रोडक्टिविटी हाई करना एंड एग्रो कैमिकल पॉल्यूशन को कम करना प्रोडक्टिविटी ज़्यादा पॉल्यूशन कम

ऐसा बना दें कि यहाँ पे पेस्ट को खाने के लिए खाना ही ना मिल सके तो ऑफ़ कोर्स पेस्ट को जब खाना नहीं मिलेगा सर्वाइवल नहीं होगा और पेस्ट जो है वो मर जाएंगे अगले आते हैं कि आप कुछ कल्चरल कंट्रोल मेथड्स का यूज कर लें एंड यूज ऑफ एक्सेसिव सिंथेटिक पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज अब देखो कल्चर मेथड की बात करें तो कल्चर मेथड होता क्या है देखो हम जितने भी इसमें मेथड्स पढ़ेंगे ना इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में सभी मेथड्स का टारगेट ये है कि हम अपनी क्रॉप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें हम अपनी क्रॉप को बचा सकें इंसेक्ट के यहाँ पे ज़्यादा नंबर बढ़ने से पेस्ट के क्रिएशन से तो एक आता है इसी में हमारे पास कल्चरल कंट्रोल या फिर आप कल्चरल मेथड बोल सकते हो इसमें हम करते क्या हैं देखो अब कोई भी पेस्ट है तो उस पेस्ट के लिए एक उसकी कंडीशन ज़रूरी है एक एनवायरमेंट है जिसमें वो रह रहा है ग्रो कर रहा है कल्चर मेथड में हम क्या करते हैं कि कल्चरल मेथड में हम इसी पेस्ट के एनवायरमेंट को चेंज करते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो कि कोई पेस्ट है जो यहाँ पे नियर अबाउट फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से रह रहा है फूड भी कंज्यूम कर रहा है ग्रो करने के लिए टेम्परेचर भी बहुत बढ़िया अच्छे से रह रहा है लेकिन अगर यहाँ से आपने कल्चर मेथड यूज़ किया कोई टेक्निक यूज़ की और टेम्परेचर पंद्रह डिग्री सेल्सियस से आपने ले जा दिया पच्चीस डिग्री सेल्सियस तो ऐसे में ये इंसेक्ट जो है वो मर जाएगा सरवाइव नहीं कर पाएगा तो कल्चर मेथड में क्या करते हैं हम जो एनवायरनमेंट है पेस्ट का इंसेक्ट का उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं अच्छा कल्चर मेथड के बारे में एक और चीज़ याद रखना कि ये जो काम है ये आप जब भी कर सकते हो जब पेस्ट की कंसनट्रेशन एक कम लेवल पे है जब आप मैनेज कर सकते हो तब यूज़फुल है अदरवाइज अगर पेस्ट बहुत ज़्यादा फील्ड में तब आप कल्चर मेथड का यूज नहीं कर सकते सो so, पे इस तरीके से आप कर सकते हैं पेस्ट को कंट्रोल जिसकी वजह से सिंथेटिक पेस्टिसाइड का यूज जो है वो बहुत हद तक घट सकता है अगला तरीका हो सकता है क्रॉप रोटेशन का एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रैक्टिस to avoid any pest infestation in crop field. Crop crop field. field field rotation season A type grow तो ये बोलते करवाना, दोबारा से A type का grow नहीं करवाना ऐसा क्यों मान लो कि आपने A type का crop grow करवा रहे हो यहाँ पे आपने न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा हर चीज दी और यहाँ पे इंफेक्शन हो गया पेस्ट इंसेक्ट यहाँ पे डेवलप करने लगे तो पेस्ट इंसेक्ट के पास एक फील्ड बन जाएगी आप कह सकते हो एनवायरनमेंट फेवरेबल होगा तभी तो वो ग्रो करेगा दोबारा सेम क्रॉप लगा दोगे तो दोबारा से एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो पेस्ट फिर आएंगे फिर से हार्म करेंगे लेकिन अगर क्रॉप रोटेशन कर दिया तो पहले जो पेस्ट आया था वो एक को टारगेट करने आया था अब अगर वो दोबारा आता है तो वो देखेगा यहाँ तो वो क्रॉप है ही नहीं तो इस तरह से आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हो फील्ड का सेकंड तरीका आता है प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रॉपर सेनेटाइजेशन की बात करें जैसे फील्ड है फील्ड में क्या होता है कि अगर कोई बड़ा प्लांट है ले सपोज कि अगर यहाँ पे आपने एप्पल के लगा रखे हैं प्लांट बहुत बड़े बड़े फ्री हैं तो कुछ सेब जो हैं मान लो जमीन पे गिरते हैं तो वहां से उसे कलेक्ट करना है जितना भी लोअर एरिया है प्लांट का उसको साफ करना है क्योंकि अगर एप्पल गिर रहे हैं लीव गिर रही है और वहां पे आप सफाई नहीं कर रहे हो तो वो वहीं पे सड़ते चले जाएंगे जिसकी वजह से वहां इंसेक्ट आएंगे पेस्ट आएंगे और अल्टीमेटली हो सकता है आपकी मेन प्लांट को भी हार्म कर सके तो सैनिटाइजेशन साफ सफाई बहुत जरूरी है ताकि कंडीशन फेवरेबल रहें और इंसेक्ट पेस्ट को एक भी पॉइंट ना मिले जहाँ वो ग्रो करें एंड सडनली आपको आउटब्रेक भी देखने को मिले सो so, इसकी हेल्प से भी हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं नेक्स्ट बात करें तो अगला मेथड है हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड शुड बी फॉलोड एंड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल कोई कोई एक इंसेक्ट पेस्ट है उसे कंट्रोल करने के लिए किसी दूसरे इंसेक्ट की हेल्प ले ली किसी दूसरे अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प ले ली तो वो सारे बायो कंट्रोल में आ जाएंगे इस तरीके से केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ जो है वो भी बहुत हद तक घट जाएगा एग्रीकल्चर क्रॉप मे बी ग्रोन मिक्स विदारगेट मे बी प्रिफर्ड बाई इंसेक् अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना देखो आपको क्या बोल रहे हैं कि आपने जो फसल लगानी है आप फसल जो लगा रहे हो एक फील्ड में तो यहाँ कोशिश करो कि यहाँ पे एक तो आपकी मेन क्रॉप हो ले सपोज की ये मेन क्रॉप है और इस मेन क्रॉप के साथ आप यहाँ मैनेजेबल कंसंट्रेशन तक वीड का ग्रोथ करवा दो वीड कैसे काम करेगी अब देखो इस पर्टिकुलर फील्ड में दो चीजें अवेलेबल है एक तो है आपकी क्रॉप और एक है वीड। ठीक है अब हो सकता है कि कोई इंसेक्ट आ रहा है कोई पेस्ट आ रहा है तो अट्रैक्शन कैसे लेके हो जाए वीट को इंसेक्ट सारे के सारे टारगेट कैसे करने लग जाएंगे वीट को और जब आपको दिखेगा कि आपकी मेन क्रॉप तो प्रोटेक्टेड है वीड पे टारगेट कर रखा है तो आप यहाँ पे केमिकल का यूज कर सकते हो कोई फिजिकल मेथड का यूज़ कर सकते हो और वीड पे जो इंसेक्ट आ रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं कलेक्टिवली किल कर सकते हो तो एक तरह से वीड खराब होगी और वीड आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है दूसरी तरफ आपकी जो मेन क्रॉप है वो भी यहाँ पे इंसेक्ट से बचा ली जाएगी तो ये सारे मेथड्स किस में आते हैं हमारे पास इंटीग्रेटेड मेथड्स में आते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं डिफरेंट तरीके से कि हम अपनी फील्ड में प्रोटेक्शन कर सके हम अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से अपनी फील्ड को बचाएंगे तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन हाई रहेगा प्रोडक्शन हाई रहेगा तो मतलब क्या है कि जितना पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम भी अपने आप को अपनी फील्ड को एग्रीकल्चर को एडवांस करते जा रहे हैं तो वो फूड की अवेलेबिलिटी भी मेंटेन रहेगी अब जैसे यहाँ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करिए आपने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखी है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आपने यहाँ सीखी पहला आपने देखा कि यहाँ पे डायरेक्टली स्टारवेशन से रिमूव करवाओ पेस्ट को दूसरा देखा कि कल्चरल कंट्रोल करवा दो तीसरा देखा है आपने क्रॉप रोटेशन करवा दो प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रैक्टिस प्रोवाइड करवा सकते हो बायोलॉजिकल कंट्रोल्स भी प्रोवाइड करवा सकते हो एंड लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग करवाओ मिक्स्ड क्रॉपिंग के हेल्प से आप यहाँ टारगेट वीट का यूज कर सकते हो और इंसेक्ट वगैरह को अपनी मेन क्रॉप से हटा सकते हो इसके अलावा भी हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं उन टेक्निक्स को नोट कर लो देखो एक हमने यहाँ देखा कल्चरल मेथड दूसरा हमने देखा बायोलॉजिकल तीसरा नोट कर लो भाई एक होता है फिजिकल ऑप्शन में अगर आता है तो करेक्ट कर जाना मैकेनिकल मेथड्स भी होते हैं एंड फिफ्थ हमारे पास होता है केमिकल अब आप कहोगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में केमिकल का क्यों यूज़ कर रहे हैं तो केमिकल यहाँ पे जो हम लेते हैं वो ऐसे लेते हैं कि हमारे तक ना आ सके डिग्रेड हो सकते हो केमिकल एक्यूमिलेट ना हो फील्ड में इस टाइप के केमिकल्स का भी यूज़ करते हैं सो so, नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कि आप माइक्रोब्स को एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हो देखो फर्टिलाइजर के तौर पे बात करें तो फर्टिलाइजर आप यही कहोगे कि न्यूट्रिएंट्स हैं जो रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी फील्ड के लिए ताकि वहां पे क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो कर सके अगर सिंपली बात करें फर्टिलाइजर्स की फर्टिलाइजर के लिए आप यही कहोगे कि ये कुछ हमारे पास न्यूट्रिय हैं या फिर आप कह सकते हो कुछ मिनरल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा क्रॉप जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करे क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए देन हम इसका यूज़ करते हैं अब देखो कई बार हम यहाँ पे डिपेंड रहते थे केमिकल्स पे ही अगर जर्नली बात करें कि, कि किसी भी फील्ड में अगर आपको कोई भी फील्ड है और कोई भी क्रॉप को अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से ग्रो करे तो हमारे पास एक फर्टिलाइजर्स का सेट है फर्टिलाइजर्स का एक आप कह सकते हो पूरा सेट है जिसमें हमारे पास चार इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसे हम यूज करते हैं पहला आता है फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि अगर आपके आसपास कहीं फार्म है अवेलेबिलिटी है और वहां से जो प्रोडक्ट ऑप्टेन हो रहा है आप उसे मैन्योर में कन्वर्ट करके फील्ड में यूज कर सकते हो दूसरी चीज जो हम यूज करते हैं यहाँ फर्टिलाइजर के तौर पे, वो आती है हमारे पास नाइट्रोजन तीसरा चीज जो है वो पी टू ओ फाइव होता है फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी करवाना जरूरी है एंड फोर्थ पे आता है हमारे पास के टू ओ पोटेशियम प्रोवाइड करना तो एक बेसिक सेट है जो हर एक क्रॉप के डेवलपमेंट के लिए चाहिए हर एक क्रॉप को एज अ फर्टिलाइजर चाहिए अब देखो ये तो हर एक क्रॉप को चाहिए लेकिन क्या सेम अमाउंट में चाहिए तो बिल्कुल नहीं यहाँ पर अमाउंट जो है डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू क्रॉप तो क्रॉप के अकॉर्डिंग अमाउंट जो है डिफरेंट होता है ये बहुत ईजिली अवेलेबल हैं कुछ जगहों पर बहुत सस्ते प्राइस पे मिल जाते हैं या फिर आप कह लो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ ये अवेलेबल ही नहीं है बहुत लिमिटेड है बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है तो एक अल्टरनेटिव होना चाहिए था जो हमारे पास निकल के आए माइक्रोब्स और इन्होंने भी बायो का फर्टिलाइजर का काम करना शुरू कर दिया बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होने लगे हम इनका इस्तेमाल जो है वो करते हैं सो so, बात करें अगर द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाईजर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हेज कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू पॉल्यूशन अब देखो क्या हो रहा था हम जब भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे थे जब भी हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे थे तो इससे दिक्कत क्या आ रही थी कि यहाँ पे बार बार आप केमिकल्स के पास जा रहे हो बार बार आप इन्हीं का ही यूज़ कर रहे हो तो अल्टीमेटली सॉइल के अंदर केमिकल्स का एक्यूमुलेशन जो है वो बढ़ता जा रहा था अब हमारे पास एक टारगेट ये भी था कि किसी तरह से हम कन, कम करें जो हमारा केमिकल पे डिपेंडेंस है उसको घटाना था तो हमने देखा कि इससे बहुत सी प्रॉब्लम जुड़ रही हैं यानी कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज़ करते चले जाएंगे तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स कॉमनली देखने को मिली जिसमें हमें मोस्ट कॉमनली क्या देखने को मिला कि पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट हो रहा है और पॉल्यूशन कैसा जो हमारी वाटर बॉडीज को हमारे ग्राउंड वाटर को एंड साथ साथ जितनी भी हमारी स्टोर्ड क्रॉप प्लांट हैं इन सबको अफेक्ट करता जा रहा है इन सब के प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट डाल रहा है अब आप खुद सोचो कि एक फील्ड है कोर्स जर्नली होता है जैसे एक आप एग्जांपल ले सकते हो कि हमारे पास एक फील्ड है जो नदी के किनारे है ठीक है तो आप

ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच करें यानी कि एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम डेवलप करना था जहाँ पे आप केमिकल पे डिपेंडेंस छोड़ के जितनी भी नेचुरल थिंग्स अवेलेबल हैं उनका यूज करें सो so, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्रॉप को ग्रो करवाते हैं जहाँ पे हम मेन्यर्स का यूज करते हैं हम फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जो हैं बायोलॉजिकल ओरिजन के रजिस्टेंट वराइटी क्रॉप रोटेशन इंटर क्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग आप बोल सकते हो मिक्स करके लगाना यहाँ पे एंड इन सब में हम बायोफर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं ताकि हम न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा करवा सकें न्यूट्रिएंट जो है प्रोवाइड करवाएं और इसी के साथ साथ जो इंक्रीजिंग डिमांड है न्यूट्रिएंट की जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस चाहिए ही चाहिए किसी भी क्रॉप को तो इसे पूरा करवा सकें अब यहाँ पर देखना कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का डिमांड इतना ज़्यादा हाई क्यों होता है अच्छा इससे पहले एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी समझ आए तो यहां ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में देखते हैं देखो पहला अगर आपसे पूछा जाए ना देखो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने जितना अब तक पढ़ाया उससे आपको एक रीज़न तो समझ आ गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच क्यों करना था ये भी ज़रूरी था क्योंकि यहाँ हमें केमिकल पे डिपेंडेंस जो है वो घटानी थी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे मूव करना था ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम किस किस चीज़ का यूज़ कर रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम यहाँ पर कुछ यहाँ आप डिजीज़ रजिस्टेंट वराइटी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी प्लांट को रजिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए किसी इंसेक्ट डिजीज से बचाने के लिए आपको अलग से केमिकल ना देना पड़े दूसरा हम यहाँ पे यूज कर रहे थे जितने भी हमारे पास माइक्रोब्स हैं जो कैसे काम कर रहे थे फर्टिलाइजर्स की तरह इनका हम यूज कर रहे थे इनके बारे में हम डिटेल में आएंगे अभी और इसके साथ हमने क्या यूज किया डिफरेंट टेक्निक जहाँ हमने क्रॉपिंग का यूज़ किया यहाँ पे आप बोल सकते हो मिक्स्ड क्रॉपिंग का भी यूज कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन भी इसमें आ जाएगा और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या थी कि मान लो इन सब के बावजूद कोई पेस्ट आता है और वो पेस्ट आने के बाद आपकी मेन क्रॉप को हार्म करता है उस केस में आप क्या करोगे तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे कोई पेस्ट आया जो हमारी इस क्रॉप को हार्म कर सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरी तरह से खत्म कर सकता है तो हम क्या कोशिश करते हैं कि इस पेस्ट का प्रीडेटर, इस पेस्ट का नेचुरल प्रीडेटर हम इंट्रोड्यूस करवा दें अपनी फील्ड में अब देखो अगर नेचुरल प्रीडेटर प्रेजेंट होगा तो ये पेस्ट जो है एक मैनेजेबल कंसंट्रेशन तक रहेगा हद से ज्यादा ग्रो नहीं करेगा तो यह आपकी क्रॉप को भी हार्म नहीं करेगा अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें मार्केट में बहुत कॉमन हो चुका है आप अच्छे से जानते हो कि दुकान वाले भी बेचते हैं कि ऑर्गेनिक फ्रूट है ऑर्गेनिक वेजिटेबल और इन सब चीज़ों के मार्केट वैल्यू जो है वो नॉर्मल जो हमारे पास वैरायटी है अवेलेबल उनसे हाई रहते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि देखो इन सब चीजों के बाद भी सपोज़ कि आपने यहाँ पे सौ प्लांट ग्रो करवाए ठीक है यहाँ पेस्ट ने इन्फेक्शन किया अब यहाँ नेचुरल प्रीडेटर लाए हो तो इस पेस्ट ने ऐसा हो सकता है कि इन सौ में से चालीस प्लांट को पूरी तरह से खत्म कर दिया हो बचे कितने अब सिर्फ बचेंगे यहाँ पे बचे, अब इन साठ को ग्रो करवाने के लिए भाई नेचुरल प्रीडेटर कहीं से लाओगे मेहनत करके ला रहे हो समटाइम्स इसे खरीद के भी लाते हैं तो यहाँ पैसे पे करोगे दूसरा मिक्सड क्रॉपिंग में टाइम लग रहा है वेराइटी लेकर आ रहे हो इंटर क्रॉपिंग में वैरायटी ला रहे हो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी काफी महंगी आती हैं तो इन सब का यूज कर रहे हो तो एक्चुअल में जो 100 प्लांट का कॉस्ट था 40 खराब हो गए तो उन 100 प्लांट का कॉस्ट किस पे आ गया इस सात प्लांट पे आ गया तो अब फार्मर क्या करेगा फार्मर इन 40 का नुकसान तो नहीं झेलेगा ना वो क्या करेगा कि अपनी इस 60 क्रॉप से ही 40 का नुकसान भी वापस लेगा तो इसी वजह से क्योंकि यहाँ इनकी ग्रोथ में इनके केयर टेक में काफ़ी टाइम लगता है एंड केमिकल का यूज़ नहीं करते तो इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और जितना लॉस हुआ है उस लॉस को भी यहीं से कवर करते हैं जो प्रोडक्शन हुआ है इसी वजह से इनके मार्केट में वैल्यू जो है वो हाई रहती है तो ऑर्गेनिक थिंग्स बेनिफिट तो करती हैं बेस्ट ऑप्शन भी है लेकिन आपको इसीलिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू पे करना पड़ता है अच्छा फर्टिलाइज़र के तौर पे आते हैं फर्टिलाइज़र के तौर पे आपने देखा कि माइक्रोब्स के तौर पे हम दो को यूज करते हैं जो एज अ फर्टिलाइजर काम करते हैं एक हम चाहते हैं कि नाइट्रोजन फिक्स, फिक्स करवाए अब दोनों न्यूट्रिएंट्स को देखो दोनों मिनरल्स को देखो कि कहां, कहां आपने इनको देखा है किन 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 बायोमोलिक्यूल्स में ये यूज होते हैं जितने भी अभी तक आपने स्ट्रक्चर पढ़े हैं कहाँ कहाँ पे इनके बारे में आपने पढ़ा है एक बार याद करो आपको आंसर मिल जाएगा कि क्यों प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट में अगर हम बात कर रहे हैं तो इन पे ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है इजिली आंसर मिल जाएगा आपको ऐसा क्यों होता है देखो फॉस्फोरस के बारे में ध्यान करो फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट होता था फॉस्फोरस आपने जो पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे फॉस्फोरस आपने देखा था कि डीएनए में प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस कहाँ है डी एन ए में है अच्छा प्लांट की बात कर रहे हैं ना प्लांट भी तो सेल है इस सेल के पास भी तो डी एन ए होगा अब प्लांट की बात करें तो प्लांट तो ग्रो करता है फ्रूट बना रहा है यानी कि सेल डिवाइड कर रही हैं सेल डिवाइड कर रही हैं यानी कि डी एन ए का रेप्लिकेशन भी करेंगी और रेप्लिकेशन के लिए फॉस्फोरस का नीड भी होगा तो फॉस्फोरस इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब भी सेल डिवाइड करता है सेल डिवीजन से पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है हम कैसे बोल सकते हैं कि प्लांट सेल है ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो जेनेटिक मटेरियल तो सब में ही होगा तो डीएनए एन रेप्लीकेशन के लिए जो नीड है फॉस्फोरस की वो पूरी हो सके इसलिए माइक्रोब्स जो एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट एड करवाते हैं फर्टिलाइजर के तौर पर वो होता है फॉस्फोरस सेकेंड आओ नाइट्रोजन की बात करें देखो अगर हम बात करें ना फ्रूट्स या हो गए सब्जियां हो गई दालें हो गई ये सब हमें प्रोटीन बहुत अच्छी अमाउंट में प्रोवाइड करवाते हैं अब प्रोटीन की बेसिक यूनिट के बारे में सोचो प्रोटीन की इसे हम बोल सकते हैं प्रोटीन की बेसिक यूनिट या फिर आप इसे मोनोमर भी बोल सकते हो या फिर मोनोमर याद करो कि क्या होता है प्रोटीन का बेसिक यूनिट प्रोटीन का मोनोमर आप कहोगे अमीनो अमीनो एसिड्स एसिड्स होते होते हैं हैं अब देखो अमीनो एसिड्स का एक कंपोनेंट अगर आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर ही कह दिया जाए कि भाई अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है तो देखो क्या बनाते हैं हम अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर एक तरफ एच है दूसरी तरफ आर मतलब एल्काइल ग्रुप एक साइड सी ओ प्रेजेंट होगा और एक साइड प्रेजेंट होता है एन एच थ्री पॉजिटिव यहाँ नाइट्रोजन नजर आया इस नाइट्रोजन को प्रोवाइड करवा सके इसलिए यहाँ किसका यूज किया जाता है माइक्रोव जो कि नाइट्रोजन को एडअप करवाते हैं। या जब भी आप पढ़ते हो ना कनेक्ट करा करो कि कहाँ आपने चीजें पढ़ी हैं और कैसे रिलेट हो सकती हैं होप तो आपको इम्पोर्टेंट समझ आया होगा नाइट्रोजन फॉसफोरस का कैल्शियम की बात करें तो प्लांट सेल है प्लांट सेल में मिडिल लेमेला का फॉर्मेशन होता है कैल्शियम है तो हर एक न्यूट्रिय यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है तो बाकी अगर हम बात करें कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये तो बेसिक हैं ये तो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट जो चाहिए कम क्वालिटी कम अमाउंट में चाहिए लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत है तो वो हम ऐड करवाते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से सो so होप आपको ये चीज़ें याद रहेंगी अब देखो अमीनो एसिड की बात चलिए तो अमीनो एसिड आप जानते हो हमारे पास बीस तरीके के होते हैं बीस तरीके के आपको पढ़ाए जाते हैं आप हायर में जाओगे आपको पता चल जाएगा कि भाई बाईस होते हैं लेकिन चलो हम इन्हें बीस ही पढ़ते हैं जहाँ तक आपका लेवल है ठीक है बीस होते हैं इन बीस में बात करें तो दस ऐसे जो बहुत असेंशियल हैं और दस ऐसे जो नॉन असेंशियल हैं तो जो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं किसकी बात चल रही है असेंशियल की हमेशा ध्यान रखना हम असेंशियल जो हैं वो अपनी डाइट से लेते हैं कहाँ से आते हैं ये हमारी डाइट से तो जब हम अपनी डाइट देखें हमारी डाइट किस पे डिपेंड करती है मैक्सिमम से मैक्सिमम वेजिटेरियन है अगर कोई नॉन वेजिटेरियन भी है तो वो हफ्ते में चार बार खाता होगा तीन बार खाता होगा अल्टीमेटली अपनी डाइट के लिए उसे भी प्लांट सोर्स पे आना ही पड़ता है तो ये essential amino acid हमारी में जो है वो कौन बना के दे रहा है हमें प्लांट्स बना के दे रहे हैं वहीं पे अगर हम बात करें जो दस नॉन हैं, जो दस हमारे पास नॉन असेंशियल्स अमीनो एसिड्स हैं, वो हमारी बॉडी में ही बनते हैं और उनका कोई खास यूज भी नहीं होता तो ये आपको बेसिक याद रखना है सो so, यहाँ कुछ ऑर्गेनिजम्स देखेंगे हम जो हमारे लिए यही काम करते हैं बायो फर्टिलाइजर का कुछ नाइट्रोजन ऐड करवाते हैं कुछ फॉस्फोरस कुछ फ्री कंडीशन में एडिशन करवा रहे हैं कुछ यहाँ पे सिम्बायोटिक यानी कि किसी से एसोसिएशन में है सो so, यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास आते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाम से ही समझ आ रहा है क्या है ये पहली चीज बैक्टीरिया है दूसरा क्या फिक्स करवाते हैं नाइट्रोजन और तीसरा है फ्री लिविंग फ्री लिविंग का मतलब है कि ये मिट्टी में प्रेजेंट होंगे और यहाँ नाइट्रोजन जो है प्लांट रूट के थ्रू आदब करवाते चले जाएंगे यहाँ ये कोई बेनिफिट सिस्टम में नहीं प्रेजेंट है ये प्लांट को नाइट्रोजन दे रहे हैं तो उसके बदले प्लांट भी इन्हें कुछ दे रहा होगा फ्री लिविंग है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके निस्वार्थ होके ये प्लांट के लिए काम करते हैं तो एग्जाम्पल अगर हम देखें न्यूट्रिशन एंड एसोसिएशन कैसा है न्यूट्रिशन है सेप्रोट्रॉपिक एंड दूसरा फोटो ऑटोट्रोपिक यानी कि अपना खाना खुद भी बना सकते हैं एंड सेप्रोट्रॉपिक की बात करें कि सॉइल के अंदर जितना भी लिविंग ऑर्गेनिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होगा तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं उससे यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स करवा रहे हैं अपने लिए एनर्जी एक्यूमलेट करते हैं एग्जाम्पल में आ जाएगा एजेटोबैक्टर कोलस्ट्रीडियम रोडोस्पैर एंड क्रोमैटियम ये नाम आपको याद होने चाहिए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एग्जाम्पल है, है एजिटोबैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एमसी करोगे मिल जाएगा बहुत मिल जाएगा रोडोस्पैर ये तीन ऐसे हैं जो एम में आपको ऑप्शन में जरूर दिखेंगे तो इन्हें अभी याद कर लो अच्छा अगले है हमारे पास फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को आप ब्लू ग्रीन एलगी भी बोलते हैं

फ्री लिविंग एक हमारे पास कैसा है यहाँ पे सिंबायोटिक सिंबायोटिक का मतलब समझ आया क्या करता होगा भाई किसी ना किसी के साथ एसोसिएशन में है यानी कि एक बेनिफिट सिस्टम में प्रेजेंट है कि अगर मैं कुछ दे रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए इस तरह के के सिस्टम में रहते हैं ये बैक्टीरिया म्यूचुअल एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है प्लांट्स के साथ एग्जांपल आता है राइजोबियम सो so, अगला है हमारे पास कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया सिम्बायटिक एसोसिएशन वाले ही हैं यानी कि मैं कुछ दे रहा हूँ तो मुझे भी बदले में कुछ ना कुछ चाहिए तो देखो म्यूचुअल एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है बहुत से प्लांट्स के साथ एग्जाम्पल आ गया एनोबिनो अब दोनों का नाम याद रखना यहाँ पे देखो एक केस एरा एक केस एरा तो इसी की कुछ आपको मिल जाएंगे वेरिएंट जो फ्री लिविंग भी हैं और जो आपको एसोसिएशन में भी नजर आएंगे तो ये केस याद रख लेना सायनोबैक्टीरिया में आपको एनाबीना फ्री लिविंग में भी मिल सकता है और साइनोबैक्टीरिया में एनाबीना आपको सिम्बायोटिक में भी मिल सकता है सो so नेक्स्ट आते हैं माइकोराइजा माइकोराइजा के लिए याद रखना है पहली चीज कि इसमें आपको फंगस का एसोसिएशन देखने को मिलेगा जितने एग्जांपल पढ़े हैं अब तक सारे बैक्टीरिया के पढ़े हैं ये कैसा है जहां हम फंगस के एसोसिएशन की बात करेंगे और किसके साथ जुड़ा रहेगा Roots of higher plants. जो है, वो जीनस है. इस जीनस में जितने भी आते हैं ऑर्गेनिज्म वो यहाँ पे एसोसिएशन शो करते हैं हायर प्लांट्स के साथ एंड ध्यान दो क्या बोल रहे हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब क्या है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का देखो ये जो फंगस है ना इस फंगस की अगर हम बात करें तो ये दो तरह से ग्रो करता है दो तरह से ग्रो करता है कैसे दो तरह से कि मान लो एक ये मेरे पास प्लांट सेल है फंगल फिलामेंट को देखना ये इन प्लांट सेल के बाहर की साइड ही ग्रो कर रहा है ठीक है बाहर की साइड एक्सो बोल सकते हो दूसरा केस ये मेरे पास प्लांट सेल्स से? हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिले कि यहाँ ये प्लांट सेल के अंदर फिलामेंट जा रहा है एंडो टाइप का इस तरह से तो ऐसे इनके दो टाइप होते हैं एक्सो होता है एक एंडो होता है खैर इतना आपने नहीं जाना एक एग्जाम्पल आपके माइंड सेट होना चाहिए कि किस तरह से काम चलता है चलो जी ये तो क्लियर हुआ अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन है यानी कि फायदा है अब क्या क्या फायदा है देखो फंगस के लिए फायदा क्या होता है कि जब वो हायर प्लांट की रूट से जुड़ता है तो फंगस को मिल जाता है यहाँ पे खाना अगर हम बात करें फंगस को यहाँ क्या मिलता है फूड और वहीं अब आप कहोगे चलो फंगस को तो खाना मिल गया बात समझ आई रूट को क्या फायदा है रूट क्यों जुड़ना चाह रहा है इसके साथ हायर प्लांट्स की रूट को ये फायदा हो जाता है जब ये इससे एसोसिएशन शो करती हैं बनाती हैं फंगस के साथ सिम्बैटिक एसोसिएशन में आती हैं तो पहला फायदा फंगस यहाँ डेवलप होता है रूट के चारों तरफ इतना डेंस नेटवर्क बना के रखता है कि जितने भी पैथोजन होंगे ना जितने भी रूट कॉजिंग या फिर आप कह सकते हो डिजीज कॉजिंग रूट डिजीज कॉजिंग जितने भी रूट की डिजीज को कॉज करने वाले पैथोजन होंगे निमेटोड्स होंगे उन सबको फंगल ग्रोथ ही नजर आएगी उन सबको यहाँ पे दिखेगा भी नहीं यहाँ ध्यान दो देखो क्या चल रहा है कि यहाँ पे फंगस डेवलप कैसे कर रहा है फंगस ने पूरे नेटवर्क बना लिया है रूट के चारों तरफ फंगस को मिल रहा है यहाँ पे खाना वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे रूट को क्या फ़ायदा है कि रूट के पास इतना ज़्यादा फंगस का ग्रोथ है कि यहाँ पे जितने भी पैथोजन रूट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं डिजीज़ कॉज कर सकते हैं उन्हें यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा है कि यहाँ कोई रूट भी है जिसे इम्पैक्ट कर सकते हैं दूसरा बेनिफिट क्या हो जाता है फंगस के डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा यहाँ माइ आप कह सकते हो हाइफी डेवलप होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूट्रिय का एब्जॉपन बढ़ता है न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन बढ़ता है और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्न अगर बढ़ रहा है तो वो कहाँ जाएगा वो प्लांट ही यूज करेगा तो एक तरह से सिम्बायोटिक एसोसिएशन आती है जहाँ पे दोनों का ही फायदा होता है अच्छा हमने नॉस्टॉक के बारे में बात किया था इसके बारे में याद रखना पहली चीज तो यही है कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे ये यह बोल सकते हो कि इसके पास एक स्पेशल सेल प्रजेंट होता है स्पेशल सेल इज फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग और उस सेल का नाम क्या है उस सेल का नाम है हेट्रोसिस्ट जिसका काम क्या है नाइट्रोजन को फिक्स करवाना तो ये इंपॉर्टेंट चीजें यह आपको ध्यान रखना है गुड आफ्टरनून आयुष और जो आपका सवाल है कि लाइफ में कोई नहीं है और आप पढ़ा कैसे रहे हो तो बात यह है कि भाई बोर्स चल रहे हैं हर कोई अपने टाइम के अकॉर्डिंग आ रहा है हमारा काम क्या है कि हम पढ़ाएं क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो लाइफ में नहीं प्रेजेंट होते लेकिन वो एक्चुअल में रात में या जब भी फ्री होते हैं वो देखते हैं तो हम उनके लिए पढ़ा रहे हैं कि जिन्हें एक्चुअल में बेनिफिट लेना है मेहनत करनी है वो यहाँ पे इम्प्रूव कर सकें और जिन्हें नहीं पढ़ना है उनके सवाल कुछ इसी तरीके के नजर आएंगे बार बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बेटर यही है कि जिन्हें पढ़ना है उन्हें पढ़ने दो क्योंकि वो रात को यहाँ देखते हैं उनके लिए इस तरह से प्रिपेयर करना होता है कि उन्हें यहाँ पे लेक्चर में कनेक्शन बना रहे वो चीजें एक के बाद एक कनेक्ट कर सकें सो so, बात करें ये लेक्चर आज का यही कम्प्लीट होता है आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कम्प्लीट होता है और यूनिट भी कम्प्लीट होती है नेक्स्ट बात करें तो अगली बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम बायोटेक के बारे में पढ़ेंगे दो ही चैप्टर है लेकिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से लेके कर चलूँगी वो चैप्टर ताकि आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो एक एक चीज़ यहाँ समझ आए एंड पूरी कोशिश करूँगी कि आप तक एन सी आर टी पहुँचा सकूँ जिसमें आपको एक्चुअल में जो कंटेंट पढ़ना है वो आप तक बेस्ट पहुँच सके सो so, होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा चीजें क्लियर हुई होंगी कल के सेशन में जरूर आ जाना क्योंकि कल हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ एमसीक्यू का जितना हमने चैप्टर में पढ़ा है एक एक चीज हमने कवर करी है तो कल हम एम प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद हम यहाँ अपनी बायोटेक को स्टार्ट कर देंगे सो so, करना क्या है आपको सबसे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और आप लेक्चर आपने देखा है कुछ आपको अच्छा सीखने को मिला हो कुछ नया सीखने को मिला हो तो आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना जब टेलीग्राम पे जाओगे सर्च करोगे इजीली मिल जाएगा सी यू टी बाई गोकुल छावड़ा इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे ये चैनल इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है आपके लिए क्योंकि जितना भी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड है जितनी भी चीजें आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगी फॉर्म फिलिंग वगैरह वो सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जैसे कुछ यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग है वो भी आपको यहाँ पे पता लग जाता है तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ आपने शेयर करना है और इसके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जब आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको यहाँ पे लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप आप, आप सर्च करोगे ईजिली मिल जाएगा इसे आप डाउनलोड कर सकते हो ताकि यहाँ पे आप लेक्चर्स का बेनिफिट ले सको जो फ्री बैचेस में है उन्हें फ्री बैचेस का बेनिफिट मिल जाए एंड कोर्स जिन्हें पेड बैचेस परचेज करना है भाई ऑफर चल रहा है रोशन बैच हमारा चल रहा है जहाँ पे आपको हैप्पी होली कूपन कोड अप्लाई करने पे टेन परसेंट का ऑफ मिल जाएगा तो यहाँ पे आप उसे ऑफर को ले सकते हैं ना अगर आपको लेना है कोर्स आपको चीजें करनी है तैयार तो ऑलमोस्ट आपके एग्जाम जो हैं बोर्ड के खत्म होने वाले हैं आप परचेस कर सकते हैं और इसी के साथ हमारा फ्री बैच चल रहा है यूट्यूब पे जहाँ पे वन रुप बैच है अब ये मत कहना कि फ्री बोलते हो और एक रुपया भी लेते हो जस्ट टू एट सम वैल्यू कि आप इसकी कदर करें और आपने कुछ पे किया है तो कुछ डेडिकेशन के साथ आप यहाँ पे प्रेजेंट रहे तो आपके लिए वन रुपयी यहाँ फीस रखी गई है यहाँ पे आपको लाइव लाइव क्लासेस क्लासेस हम प्रोवाइड करवाते हैं YouTube पे आपको जर्नल टेस्ट जो कि बहुत ज्यादा अलग अलग सेक्शंस होते हैं वो भी कवर करवा रहे हैं तो अगर आपको पढ़ना है बेनिफिट लेना है तो बिल्कुल आप रेगुलर रह सकते हो लाइव में नहीं हो बाद में देखो अपने अकॉर्डिंग करो लेक्चर रिकॉर्डेड भी मिलेगा तो ऑफ कोर्स अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हो सो so, मिलते हैं कल के सेशन में जहां हम एम प्रैक्टिस करेंगे पढ़ के आना एनसीआर तैयार करके आना एंड थैंक यू सो मच सी यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक यू वेरी मच बाय बाय